हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास एडिटर ऑफिस एट वेदांतु। कैसे चले बच्चे जिंदगी, कैसे मेरे शेर और सबड़िया एकदम। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप क्लास 10 साइंस में बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, अगर आप सोच भी रहे हो तो, है ना। अब देखो यार, आपके साइंस अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स के 4 चैप्टर्स हैं, लाइट, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक करंट। और वैसे ही अगर हम बायो की बात करें तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चैप्टर्स हैं भाई, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और बीच में एक होता ना, हाँ, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 6 चैप्टर्स हो गए। और उसके बाद बात करते हैं हम आपके केमिस्ट्री की, जहाँ पर दोबारा 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स। ये 4 चैप्टर हो गए। तो 4 4 8 8 और 6 आपका हो जाता है 14। अब इन 14 चैप्टर्स में से ऐसे 7 चैप्टर्स कौन से हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मैं बताने वाला हूँ, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको पास भी होना है सीबीएसई में तो ये पढ़कर ज़रूर जाइएगा। और मैं जो ये क्लासिफिकेशन देने वाला हूँ वो मार्क्स के बेसिस में है, एज इन ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं इन 14 में से, उनके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कौन से चैप्टर्स बहुत इजी हैं और लेकिन थोड़ा कम स्कोरिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चैप्टर्स जो है थोड़े मीडियम डिफिकल्टी लेवल से हार्ड डिफिकल्टी लेवल के हैं, वेरी हो सकता है, सब्जेक्टिव, बहुत आपके लिए ईजी होगा, कुछ बच्चों के लिए हार्ड होगा, बट एज ए जनरल ये मीडियम डिफिकल्टी के चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में लाइट चैप्टर 10 से 11 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी आपके 8 से 10 मार्क्स के लिए आता है इन दी बोर्ड एग्जामिनेशंस। और ये दोनों चैप्टर्स मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक मीडियम लेवल डिफिकल्टी का भी है, लेकिन बहुत ही हाई स्कोरिंग भी है, तो एज़ कम्पेयर टू दी अदर 2 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। अब वैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स स्पेशली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग का है, 10 मार्क्स के आसपास आता है ये, 9 से 10 मार्क्स का। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी 8 मार्क्स के आसपास आपकी केमिस्ट्री में इन इस चैप्टर से आ जाती है। फिर बात करेंगे हम बायो की, तो बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स है सबसे बड़ा चैप्टर लाइफ प्रोसेस, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से भी 10 से 11 मार्क्स के सवाल आते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स ये बात है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पे 8 से 10 मार्क्स के सवाल आते हैं। और फिर बात करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, जहाँ पर दोबारा आप देखोगे तो भाई 6 से 7 मार्क्स के सवाल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आ सकते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा टिप ये भी दूंगा कि आर एनवायरमेंट चैप्टर को भी मिस आउट मत करिए, क्योंकि आर एनवायरमेंट सीबीएसई ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है अपने सर्कुलर में कि 5 मार्क्स के मैंडेटरी सवाल आएंगे, जिसमें से अगर आप सैम्पल पेपर को थोड़ा एनालाइज करोगे आपको समझ में आएगा कि भाई आर एनवायरमेंट से 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के जरूर आएंगे और एक सवाल 3 मार्क के यू नो क्वेश्चंस में जरूर होगा। मैंडेटरी है आर एनवायरमेंट से, आना ही आना है, ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ सैम्पल पेपर और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख के कि जो 2 सवाल 1-1 मार्क के आने वाले हैं उसमें से एक सवाल एसेशन रीजनिंग का होगा, आर एनवायरमेंट से ही मैंडेटरी है, तो देखिएगा ज़रूर। तो ये बात होगी वो चैप्टर्स की जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो और डिफिकल्ट लेवल के हैं और थोड़े क्या बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। अगर मैं उन चैप्टर्स की बात करूं जो थोड़े से इजी है पढ़ने के लिए लेकिन थोड़ा लो स्कोरिंग है, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स से शुरू करूं तो फिजिक्स के सबसे इजी चैप्टर 10th ग्रेड में है ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लेकिन वो आता भी 3 से 5 मार्क्स के लिए है। और वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक करंट बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ईजी होता है, लेकिन उसमें मार्क्स जो है वो भी 3 से 5 मार्क्स के ही आपको मैग्नेटिक इफेक्ट से भी आते हैं। और यही बात अगर हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका सबसे इजी चैप्टर मेरे ख्याल से केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो इन दोनों से भी समवेयर अबाउट 4 से 5 मार्क के सवाल ही आपको आते हैं। फिर बात करते हैं बायो का, बायो में सबसे इजी चैप्टर आपका हो जाता है भाई, क्या कौन सा छोड़ देता मैंने, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड भी नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स अगर चाहे, स्कूल के टीचर्स चाहे तो आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर यू नो क्लास 10 बायो, जिसमें से भी समवेयर अबाउट 5 से 6 मार्क के सवाल आपको आते हैं। और वो तो जनरल है कि भाई ये आना ही आना है, जैसे फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, ये सारी चीज़ें, पी प्लांट वाला हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हेरिडिटी में, कॉमन सवाल ये है ना। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए हैं बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन की, भाई थोड़े डिफिकल्ट और स्कोरिंग कौन से है, थोड़े इजी और लो स्कोरिंग कौन से है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है हमने 10 से 15 साल के पेपर्स को एनालाइज किया हुआ है और इसी के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें जानी है और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड सेशन की भी है,
है ना। सीबीएसई कोई भी अपना ब्लूप्रिंट नहीं निकालता है ऑफिशियली, लेट नो, ये हमारे एनालिसिस से हमें समझ में आया हुआ है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है सारी चीज़ों को निकालने के लिए। तो प्लीज डू नॉट स्किप दीज चैप्टर्स विच आई हैव जस्ट मेंशन यू राइट नाउ। और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसा ही सेशन मैथ्स और एसएसटी के लिए भी चाहिए, इंग्लिश के लिए भी चाहिए, डू लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।